दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बायोलॉजी क्लासेस में। तो हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब अनुवांशिकी और विभिन्नता के बारे में पढ़ रहे थे, और इसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। और हम लोगों ने मेंडल के रूल्स को भी स्टार्ट कर लिया था, और मेंडल का पहला नियम हम लोगों ने देखा था, जिसे हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं या प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब हमको और हम लोगों ने इसके एक्सेप्शंस के बारे में, मतलब इसका नियम मेंडल के जो नियम, जहाँ पर पहला नियम जहाँ पर नहीं लागू होता है, उन एग्जाम्पल्स के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, है ना। अब हमको बात करना है किसके बारे में, मेंडल के सेकंड और थर्ड रूल के बारे में। ठीक है, तो मेंडल का जो सेकंड रूल था उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, बट आपके जो डाउट्स हैं पहले उनको सॉल्व कर लिया जाए, है ना। आपके कुछ डाउट्स आए हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं क्या है। ये विशाल देवांगन हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि लंबे समय के कसरत के लिए मुख्य ईंधन है ना क्या है, और ऑप्शन में दोनों था, दोनों का मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, देखिए एक सिंपल सा आप ना एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या है, कि सपोज करिए कि हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में एनर्जी का या ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। प्राथमिक स्रोत का क्या मतलब है कि अगर हमको एनर्जी की जरूरत है तो सबसे पहले एनर्जी कहाँ से मिलेगी, है ना। तो इसका सबसे सिंपल सा आंसर ये है कि अगर हमको तुरंत में एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स, है ना। ग्लूकोज सबसे सस्ता ईंधन है हमारे शरीर का, और वहीं से हमको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। कि सपोज करिए कि अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो रही है तो आपको कैसा लगेगा, ग्लूकोज की अगर कमी है आपके शरीर में तो आपको आलस्य लगेगा, आपको कमजोरी महसूस होगी, और आपको लगेगा जैसे सिर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये समस्याएं बरकरार रहती हैं तो आप क्या करते हो कि डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से बताते हो, सर मुझको पिछले 2 दिन से या 1 दिन से या पिछले 3-4 घंटे से चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, आलस्य लगती है, नींद बहुत आती है ना, इस तरह की समस्याएं बताओगे तो डॉक्टर तुरंत आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाएगा। ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल नॉर्मल लेवल होता है वो कितना होना चाहिए, वो लगभग 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, है ना। मतलब हमारे ब्लड में, ब्लड का अगर 100 ml का सैंपल आप लेते हो तो उसमें 120 mg के अप्रोक्सीमेट क्या होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए। ये क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, इतना ग्लूकोज हमारे शरीर में होना चाहिए तो हम फिट होते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप चेक करवाते हो तो वो आपके डाइट पर निर्भर करता है कि आपका ग्लूकोज लेवल कितना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप खाने में मीठा ज्यादा खाते हो तो ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो ग्लूकोज लेवल होगा वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, है ना। तो उस समय आप अगर चेक करवाते हो तो आफ्टर मील और बिफोर मील ये डिपेंड करता है ना। बिफोर मील का मतलब ये होता है कि आपने अगर उपवास रखा हुआ है ना पिछले 1 दिन से, तो उस समय आपका ग्लूकोज लेवल क्या होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज लेवल ऑब्वियस सी बात है 120 से कम हो जाएगा, लेकिन 65 से बिलो नहीं होना चाहिए, है ना। 65 से बिलो नहीं होना चाहिए, अगर 65 से बिलो हो गया, 65 के अगर नीचे पहुंच गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्योंकि ये एक फास्टिंग थ्रेशोल्ड है। फास्टिंग थ्रेशोल्ड का मतलब कि अगर आप व्रत भी रहते हो, उपवास भी रहते हो, तो कम से कम इतना तो आपके पास ग्लूकोज होना चाहिए, तब तो आपको एनर्जी मिलेगी, है ना। अदरवाइज एनर्जी मिलने में फिर समस्या हो जाएगी। तो 55 से 60 या 65 तक माना जाता है फास्टिंग थ्रेशोल्ड। 120 mg होती है एक परफेक्ट कंडीशन, है ना, इतना हमारे बॉडी में ग्लूकोज होना चाहिए। फिर 100 ml, फिर उसके बाद अगर आपने खाना खा लिया है तो ये 180 तक जाता है। ठीक है, 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये एक रीनल थ्रेशोल्ड कहलाता है। रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि हमारी जो किडनी है, ध्यान से समझिएगा, रीनल थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, रीनल थ्रेशोल्ड, है ना। रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है कि हमारी जो किडनी होती है, अगर हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड है, मतलब 100 ml का अगर आप सैंपल ले रहे हो तो 120 मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर 180 mg मिल रहा है तो
इसको रीनल थ्रेशोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद ये एक ऐसी लिमिट है जिसके बाद अगर ग्लूकोज लेवल और बढ़ गया तो फिर किडनी बोलेगी भैया मुझसे नहीं होगा, तू फिल्टर कर ले अपना, मतलब ऐसा जो ग्लूकोज होगा वो आपकी यूरिन में दिखने लगेगा और फिर वो डायबिटिक कंडीशन होने लगती है ना, उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज यूरिया कहते हैं, मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट इन द यूरिया। तो ये रीनल थ्रेशोल्ड कहलाती है कितना, 180, आप समझ रहे हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल होता है यहाँ पर हमको एकदम परफेक्ट फीलिंग होती है कि हाँ हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल वो अच्छा खासा है, 130 तक अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद जब एबव होने लगता है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि ज़्यादा मीठा ना खाएं, ठीक है, क्योंकि मीठा खाने से कोई जरूरी नहीं कि आदमी डायबिटिक हो तभी उसको मीठा नुकसान करे, मीठा तब भी आपको शुगर ज़्यादा लेना तब भी नुकसान करता है, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा जब शुगर लोगे तो हमारी किडनी के ऊपर लोड तो बढ़ेगा ना, कि किडनियाँ उनको वापस भेज रही हैं, ब्लड में वापस भेज रही हैं। आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो खूब जम के, ठीक है, तो आपका जल्दी से कंज्यूम हो जा रहा है, जल्दी से आप उसको ख़त्म कर दे रहे हो यूज करके, है ना, उससे एनर्जी आपको मिल जा रही है। लेकिन अगर आप लगातार लेते ही रहोगे, है ना, लगातार आप ग्लूकोज वाले डाइट ले रहे हो तो फिर वो किडनी के ऊपर लोड बढ़ाएगा, है ना, और समय समय किडनी फिर हाथ खड़ा कर देगी, भैया तू कुछ ज़्यादा ग्लूकोज खा रहा है, मुझसे नहीं होगा, तू कर ले अपना, ठीक है। और फिर ऐसे में किडनी फेलियर के चांसेस बनने लगते हैं ना, क्योंकि आप जितना भी मीठा खाते हो या जितना भी इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हो, मतलब सॉल्ट लेते हो, नमक वगैरह लेते हो, वो सारा का सारा फिल्टर होने के लिए तो किडनी में ही जाएगा ना, फिर किडनी उसको वापस बॉडी में भेज देती है जरूरत के आधार पर, है ना। तो ग्लूकोज तो 180 mg तक वापस भेज देगी, लेकिन उसके बाद फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, क्लियर। तो ये चीज होती है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि हमको अगर इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, डॉक्टर ग्लूकोज लेवल चेक करेगा और बोलेगा भैया आपका ग्लूकोज लेवल कम है इसलिए आपको जो है कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप एक काम कर लीजिए, आप एक ड्रिप लगवा लीजिए, ठीक है, और 3-4 घंटे का समय लगेगा, आप आराम कर लीजिए, लेट जाइए और आपको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है, और आधे घंटे के अंदर अंदर आप अच्छा फील करने लग जाते हो लगते ही, और आपको लगता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, जबरदस्ती यहाँ पे रुका हुआ हूँ, है ना, आपको लगता है मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए तो क्या होगा कि आपके बॉडी में जो स्टोर्ड फॉर्म होता है ग्लूकोज का, है ना, ग्लूकोज भी संचय किया जाता है हमारी बॉडी में, किया जाता है कि नहीं, आपने नाम सुना होगा किसका, ग्लाइकोजन का, सुना है कि नहीं सुना है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज का ही संचित रूप क्या होता है, ग्लाइकोजन, और ये हमारे मसल्स में स्टोर होता है, ठीक है, और मसल्स के साथ थोड़ी मात्रा में ये लिवर में भी स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोर्ड फॉर्म होता है ग्लूकोज का, तो इससे हमको एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन सपोज करिए दोस्तों, अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, फिर आपको जरूरत पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट की, और थोड़ा सा अगर कार्बोहाइड्रेट का लैक होता है बॉडी में तो बॉडी उस चीज़ को एडजस्ट करती है, उसको बताती नहीं है कि हम आप कमज़ोर हो या वीकनेस फील नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर ग्लाइकोजन है तो आपको ऐसी चीज़ें फील नहीं होंगी, मतलब ग्लाइकोजन मतलब स्टोर्ड फॉर्म है, संचित रूप है, तो आपको ग्लूकोज की कमी महसूस नहीं होगी। फिर अगर आप एक्सरसाइज करते हो, है ना, एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो या आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो नॉट अदर देन द एक्सरसाइज, लाइक अगर आप वॉकिंग भी कर रहे हो, अगर आप नॉर्मल घर पे भी कुछ काम कर रहे हो, है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक्सरसाइज हर समय करते रहो, और आप कोई काम कर रहे हो, कहीं पे बिजी हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, तो नॉर्मल कंडीशन में भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका 80-90% हिस्सा जो होता है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, फैट कंट्रीब्यूट करता है, है ना, फैट 80-90% हिस्सा देता है किसका, नॉर्मल एक्टिविटी का भी। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह से, तो मुझको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही, इंस्टेंट जो एनर्जी मिलेगी वो तो ग्लूकोज से मिल रही है ना, लेकिन फैट क्या होता है उसका 80-90% देता रहता है। फिर लगभग 5-18% तक या 20% तक हमको एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मतलब ग्लूकोज वगैरह, और उसके बाद जो बचा हुआ परसेंटेज है लगभग 2-5% वो देता है कौन, प्रोटीन। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, मेन हिस्सा कौन दे रहा है आपका, फैट दे रहा है, ठीक है। तो फैट इज, अगर फैट अलग से ऑप्शन में दिया है तो आप फैट को ही टिक करिए।
और अगर आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट एक साथ दिया है तो आप फैट और कार्बोहाइड्रेट को सिलेक्ट कर लीजिए, और तो कोई सोर्स बचता भी नहीं है फिर। सॉरी। अच्छा, अगर प्रोटीन से आपको एनर्जी मिल रही है ना, तो प्रोटीन हमारी बॉडी में किस फॉर्म में पाया जाता है? प्रोटीन एक तो हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है ना। अगर आप सेलुलर लेवल पे देखोगे तो प्रोटीन कहाँ पर होती है? प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो प्रोटीन का ही घोल होता है, उसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसका मतलब कि आप अपने प्रोटोप्लाज्म को ही यूज कर रहे हो एनर्जी के फॉर्म में। इसका मतलब कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं वीक हो रही है, कमजोर हो रही है। और ये जो प्रोटीन वाला सोर्स होता है एनर्जी का, ये बहुत दिन तक नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोटीन का जब डिग्रेडेशन होगा, प्रोटीन को जब आप भोजन के रूप में, मतलब एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करोगे, नॉट भोजन, भोजन मत समझिएगा, ठीक है? प्रोटीन को अगर आप एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करोगे तो उसके उससे जो निकलने वाली गैसेज होती हैं वो अमोनिया जैसी होती हैं, और अमोनिया टॉक्सिक नेचर की होती है। वो बॉडी में बहुत देर तक इस तरह से, या सेल्स में बहुत देर तक अगर रहेगी तो सेल्स जो होंगी वो पॉइजनस हो जाएंगी। लेकिन प्रोटीन से तो लगातार अमोनिया निकल रही है, तो इसका मतलब सेल को पॉइजनस होना ही पड़ेगा, और जब सेल पॉइजनस हो जाएंगी तो फिर वो डेथ कॉज कर देती है। इसलिए प्रोटीन से मिलने वाली जो एनर्जी होती है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है कि आप बहुत दिन तक या बहुत देर तक उससे एनर्जी ले लोगे, है ना। तो प्रोटोप्लाज्मिक जो रेस्पिरेशन या प्रोटोप्लाज्मिक जो श्वसन होता है वो प्रोटीन पर आधारित होता है, और ये बहुत दिन तक नहीं चल पाता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि मेन सोर्स होता है फैट। क्लियर? चलिए, ये तो कुछ एडिशनल बातें हो गई थी। अब हम कुछ और आपके क्वेश्चंस पर आते हैं। निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबद्ध होते हैं, है ना? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिलेटेड विद प्लांट्स इन नाइट, ठीक है? रात के समय कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो पौधों के साथ संबद्ध होता है? तो ऑप्शंस में है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन और चालन, चालन और श्वसन, है ना। मतलब फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, एंड ट्रांसलोकेशन एंड रेस्पिरेशन, है ना। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो रात के समय होता है ना, इस चीज को ध्यान देना है। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, प्रकाश संश्लेषण तो दिन के समय होता है, उसके लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो एनर्जी को ट्रैप कर सकेंगे सोलर एनर्जी को, और उसको केमिकल एनर्जी में बदलेंगे, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण अगर है तो गलत है। श्वसन और वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन और चालन, है ना, चालन की प्रक्रिया तो हमेशा चलती रहती है, वाष्पोत्सर्जन की भी प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। चालन और श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन, श्वसन की प्रक्रिया दिन और रात दोनों समय चलती है, और वाष्पोत्सर्जन की भी प्रक्रिया जो होती है वो दिन और रात दोनों समय चलती है। चालन और श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो भी दिन और रात दोनों समय चलती है, ठीक है। कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबद्ध होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज श्वसन और वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। क्योंकि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो दिन और रात दोनों समय होती है, तो रात तो इसमें है ही, और वाष्पोत्सर्जन की भी प्रक्रिया दिन और रात दोनों समय होती है, तो इसमें भी रात का संबंध तो है ही, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? इसके बारे में हम लोगों ने बात ऑलरेडी कर रखी है, मैंने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया था, है ना। लाल रंग का प्रकाश होता है, इस चीज को आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन में जिसमें टिक लगा हुआ है वो है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में दिन में, और रात्रि में दिन वो रात्रि दोनों में केवल दिन में, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है आप बताइए? प्रकाश संश्लेषण, है ना। अब यहां पे देखिए, इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे हम, एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करेंगे। कि आप सोचने लगो कि कैम प्लांट्स तो उसी में आते हैं जिनमें दिन और रात रात दोनों समय होता है ना। यहां पर CO2 के फिक्सेशन की बात नहीं हो रही है ना, कि CO2 का स्थिरीकरण, यहां पर बात हो रही है किसकी, कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो रात्रि में होती है, दिन और रात्रि में होती है, दिन में और अथवा रात्रि में और केवल दिन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? केवल दिन में।
तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मतलब अनुवांशिकी और विभिन्नता, जेनेटिक्स में वापस आते हैं और हम लोग मेंडल के दूसरे नियम की बात करते हैं। दोस्तों मेंडल का जो दूसरा नियम है वो भी एक संकरी क्रॉस मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही बेस्ड है, ठीक है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखते हैं जिसको हम लोग हाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हाइट मतलब प्लांट की जो लंबाई होती है उसी के आधार पर उन्होंने फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट को अपने आगे बढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब जो प्रभाविता का नियम है उसमें ये बताया गया था कि जब हम लोग क्या करते हैं कि एक लंबी हाइट का जो होमोजाइगस प्लांट है ना, तो लंबी अगर ये आपसे कहा जाए कि एक टॉल प्लांट है, लंबी हाइट का है, अच्छी हाइट का प्लांट है और वो एक होमोजाइगस है तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा, है ना। तो आप इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो ये टॉलनेस के लिए हमको एक कैपिटल टी तो बनाना पड़ेगा ताकि पौधा कैसा हो, लंबा हो। और अगर ये होमोजाइगस है तो हमको इसके लिए कैपिटल टी दो बार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उसमें दो ही गुणसूत्र तो होते हैं, होमोलॉगस जो पेयर होता है समझा, जो गुणसूत्र होते हैं वो दो ही गुणसूत्र तो होते हैं ना, 23 × 2 करते हैं ना तो 23 जोड़े होते हैं। तो हमने लंबाई के जो दो गुणसूत्र हैं, जो दो जीन रिस्पॉन्सिबल थे, उन दोनों जीन को हमने ले लिया, ठीक है। अब ये दोनों जीन हैं होमोजाइगस मतलब कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, इन्होंने जो क्रॉस कराया था उसमें इसका कराया था किससे, स्मॉल टी से क्रॉस कराया था। तो नेक्स्ट जनरेशन मतलब F1 जनरेशन मतलब फेलियर वन मतलब पहली जो पीढ़ी थी उसमें जो संतान हुई थी, है ना, उसमें जो जीनोटाइप था वो कैसा आया था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का आया था ना। और सारे प्लांट ऐसे थे कि नहीं थे, कैसे। अब इसका हम क्या कर देते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं और इसके हम लोग क्या बना देते हैं, गैमिट बना देते हैं, ठीक है। अब ये गुणसूत्र ये क्या है, जीन है, ठीक है। तो एक कैपिटल टी यहां पे ले लिया, इस वाले का गैमिट बन गया और यहां पर दूसरे वाले का गैमिट बन गया, फिर यहां पर एक का गैमिट बन गया, फिर यहां पर दूसरे का गैमिट बन गया, ठीक है। अब दोनों का हमने क्रॉस करा दिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी आया। सबके सबके जीनोटाइप कैसे हैं, समान है। कैसे जीनोटाइप है, ये होमोजाइगस या हेटरोजाइगस, तो ये हेटरोजाइगस है, ठीक है। तो हेटरोजाइगस में एक कैपिटल टी तो हर जगह है ना, तो प्लांट कैसा होगा, लंबा होगा। मतलब इसका जो फिनोटाइप है वो कैसा है, टॉल प्लांट की तरह है, ठीक है। ये कैसा प्लांट है, टॉल, और ये कैसा प्लांट है, डॉर्फ मतलब बौना, ये लंबा और ये बौना, ठीक है। लंबे और बौने का जब क्रॉस कराया तो अगली जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे मिले हमको, टॉल मिले। तो टॉलनेस के लिए ये कैरेक्टर है, ठीक है। तो टॉल तो ये भी दिखा रहा है और टॉल तो ये भी दिखा रहा है, लेकिन इन दोनों का जीनोटाइप अलग है और फिनोटाइप समान है। इस चीज को समझ रहे हैं ना बेटा, मैं इन टर्म्स को इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप इनके लिए हैबिचुअल हो जाओ, ठीक है। कि अगर आपसे पूछा जाए इनमें से किसका जीनोटाइप अलग है लेकिन फिनोटाइप समान है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा ना, लेकिन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इन चीजों की, है ना। और बहुत सिंपल सी चीज है लेकिन बच्चे इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का क्या है, जीनोटाइप तो अलग अलग है लेकिन फिनोटाइप समान है। मतलब बाहर से देखने में तो ये एक जैसे दिखेंगे, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, मतलब फिनोटाइप समान है, लेकिन अंदर से जब हम इनके जेनेटिक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो अंदर से इनका जेनेटिक स्ट्रक्चर एक दूसरे से क्या है, अलग है। ये होमोजाइगस है तो ये हेटरोजाइगस है, और यहां पर सारे के सारे प्लांट कैसे मिल रहे हैं, हेटरोजाइगस मिल रहे हैं, वही चीज यहां पर दिखाई गई है। तो इस जनरेशन में जो प्लांट मिलेंगे कितने मिलेंगे, 4 प्लांट्स मिलेंगे, 4 प्लांट मिलेंगे टोटल, और इन चारों के चारों का क्या होगा, फेनोटाइप टॉल होगा, क्लियर। तो यहां तक तो हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की मतलब प्रभाविता के नियम की, कि F1 जनरेशन मतलब पहली पीढ़ी में जो जनरेशन के ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, मतलब जो प्रभावी गुण है वो अप्रभावी गुण को पूरी तरह से दबा दिया है, इसीलिए इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये मेंडल का पहला रूल है, ये मेंडल का पहला नियम है कि पहली जनरेशन जो आती है, F1 जनरेशन जो आती है,
पहली पीढ़ी के जो बच्चे होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं वही दिखाई देते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर्स दिखाई नहीं देते हैं। मतलब सिर्फ प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण यहां पर दिखाई नहीं देते हैं। ये मेंडल का पहला नियम है। बात समझ में आई? अब इसी क्रॉस को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो हमको दूसरा नियम भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा नियम जो सेग्रीगेशन का नियम है वो भी एक संकरी क्रॉस मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ही बेस्ड है और ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही एक एग्जांपल है। तो आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या है। यहां पर हम लोगों को क्या करना है कि अब हम इसका क्या कराएंगे, यहां पर स्वपरागण की प्रक्रिया कराएंगे। मतलब यहां पर हम कराते हैं, एक तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सेल्फिंग, है ना, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, या इसी के लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं क्या, स्वपरागण। क्लियर? तो स्वपरागण की जो प्रक्रिया, यहां पर स्वपरागण कराएंगे मतलब सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस कंडक्ट कराएंगे। और सेल्फ पॉलिनेशन की जब प्रोसेस कंडक्ट कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब समझ रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि अगर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो इसका क्रॉस हम उसी पौधे के किसी परागकण से या किसी अंडाशय से करा देते हैं। अगर ये परागकण है, हालांकि परागकण तो नहीं है, ये क्या है, अंडाशय ही होगा, ठीक है। अगर ये अंडाशय है तो ये परागकण होगा उसी प्लांट का, तो इसका भी तो जीनोटाइप ऐसा ही होगा, उसी प्लांट का है, क्योंकि एक ही प्लांट में। अब हाथों के जीन के अलग होंगे, जीन तो सब एक ही जैसे होंगे ना, बस लक्षण कौन सा दिखना है कौन सा नहीं दिखना है वो अलग अलग होता है। तो उसी प्लांट का हमने क्या ले लिया, अंडाशय ले लिया, और उसी प्लांट का क्या ले लिया, परागकण ले लिया, और उन दोनों में क्रॉस करा दिया, ठीक है। तो जब क्रॉस कराएंगे तो अब यहां पर जल्दी से गैमिट हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। इसके जो गैमिट बनेंगे वो दो तरह से बनेंगे, है ना, कैसे बनेंगे, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, इसका गैमिट अलग होगा, इसका गैमिट अलग होगा। तो एक गैमिट कैसा होगा, कैपिटल टी की तरह होगा, और दूसरा गैमिट कैसा होगा, स्मॉल टी की तरह होगा। और दूसरी जगह जो गैमिट होगा वो भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये भी उसी प्लांट का हिस्सा है, तो इसका भी एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। अब दोनों में हमको क्रॉस करा देना है, तो यहाँ कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी आ जाएगा, देखिए यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल टी आया, तो दोनों कैपिटल टी हो गया। फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया, आया, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया, और फिर यहाँ पर यहाँ स्मॉल टी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये चार प्लांट जो मिले हैं ये क्या है, ये F2 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन की बात हो रही है ना। हमने पहला क्रॉस यहाँ पे कराया था तो F1 जनरेशन मिली, हमने दूसरा क्रॉस यहाँ पर कराया तो F2 जनरेशन मिली। क्लियर? यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन करा है, चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो देखिए ये वाला प्लांट कैसा होगा, बताइए ये वाला प्लांट कैसा होगा, ये होगा लंबा, है ना, और ये वाला कैसा होगा, लंबा, ये कैसा होगा, ये भी टॉल होगा, और ये वाला कैसा होगा, ये डॉर्फ होगा। मतलब तीन टॉल होंगे एंड वन डॉर्फ, मतलब तीन पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे, और एक पौधा कैसा होगा, छोटी हाइट का होगा, कम हाइट का होगा। बात समझ में आ रही है? चार प्लांट्स में से तीन और एक का रेशियो हमको मिला, 3:1 का रेशियो मिल जाएगा, है ना। ये कैसा रेशियो कहलाता है, ये फिनोटिपिक रेशियो कहलाता है, है ना, फिनोटिपिक। क्यों फिनोटिपिक, क्योंकि हम फिनोटाइप की ही बात कर रहे हैं ना। आप बाहर से ही देख के तो बताओगे ना कि चार में से तीन प्लांट लंबे हैं और एक प्लांट छोटा है, बाहर से देखते ही आप समझ जाओगे। अगर आपके सामने चार पौधे लगे हुए हैं तो इनमें से अगर पूछा जाए कितने लंबे हैं कितने छोटे, तो आप देख के नहीं बता पाओगे, आप बता लोगे ना कि तीन पौधे लंबे हैं और एक पौधा छोटा है, है कि नहीं। तो जो तीन पौधे लंबे हैं उनमें कुछ तो अंतर होगा एक इस एक पौधे से जो छोटा है कि नहीं। तो अगर हम फिनोटिपिक की बात करते हैं, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, जो चीज बाहर से दिखे, तो फिनोटिपिकली अगर देखा जाए तो उनका जो रेशियो होगा वो 3:1 का, मतलब तीन पौधे लंबे और एक पौधा छोटा। अब अगर इनका जीनोटाइप का इनके जीनोटाइप की बात की जाए, है ना, कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ जीनोटाइप इन द F2 जनरेशन,
ठीक है, एफ टू जनरेशन में जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? तो अब देख लेते हैं कि दो प्लांट का जो जीनोटाइप है वो तो एक जैसा है ना, जो हेटरोजाइगस है, और दो कैसे हैं, होमोजाइगस है कि नहीं है? मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पौधा है ये एक ही है जो कि होमोजाइगस है, एक ही है ना ऐसा, जो लंबा होगा और जो होमोजाइगस भी होगा प्योर लाइन का, ठीक है। दो पौधे एक जैसे होंगे, लंबे तो हैं, लेकिन हम लंबाई की बात नहीं कर रहे ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, जीन की बात कर रहे हैं, जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी है ना, और कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले कितने पौधे हैं, एक ये है और एक ये है, दो ही तो है ना, तो इसको हमने कर दिया दो, ठीक है। और स्मॉल टी वाले कितने पौधे हैं, सिर्फ एक ही तो है ना, तो इसको हमने कर दिया वन, ठीक है, वन इज टू टू इज टू वन। तो एक अनुपात दो अनुपात एक का जो रेशियो हमको मिला, जो अनुपात मिला है, ठीक है, ये इसका कौन सा अनुपात कहलाएगा, ये इसका जीनोटिपिक रेशियो कहलाएगा, जीनोटिपिक रेशियो मतलब जीनोटिपिक अनुपात होगा, इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, कितने तरह से आते हैं, वो हम लोग बात करते जा रहे हैं, ठीक है, कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है ना, ये चीजें हमको पता होनी चाहिए, क्लियर। जैसे यहां पर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, देख लीजिए, हो गया। अब चलिए अब हम लोग आते हैं, ये यहां पे यहां तक की जो बात हुई है, जो हमको 3:1 का रेशियो मिला है, मेन रेशियो यही होता है, क्योंकि हमको तो बाहरी जो लक्षण होते हैं उसी से मतलब होता है, अगर लंबे पौधे होंगे तो उसमें फल ज्यादा लगेंगे, है ना, छोटे पौधे में गुंजाइश कम हो जाएगी, क्लियर। तो अब हमको क्या करना है, ये जो फिनोटिपिक रेशियो है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। और मेंडल ने जो सेकंड लॉ दिया था, सेकंड लॉ क्या था मेंडल का, इसको हम लोग कहते हैं क्या, पृथक्करण का नियम, या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ना, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ है ना। अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन द मेंडल्स सेकेंड लॉ, मेंडल के दूसरे लॉ को एक्सप्लेन करिए, ठीक है, एक्सप्लेन द मेंडल्स सेकेंड लॉ, मेंडल का जो दूसरा लॉ है उसको एक्सप्लेन करिए, या आपसे पूछ लिया जाए मेंडल के पृथक्करण के नियम को बताइए, या आपसे पूछ लिया जाए मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करिए, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, आप कैसे बताओगे? तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि मेंडल ने जो सेकेंड लॉ दिया था उसमें क्या था, कि एफ वन जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स थे, ध्यान दीजिए ये एफ वन जनरेशन है ना, ये जो बना हुआ है एफ वन जनरेशन है, यहां पे ये एफ वन जनरेशन है ना, जिसमें सारे के सारे प्लांट कैसे हैं, टॉल हैं, लेकिन जीनोटाइप क्या है, हेटरोजाइगस है, चीजों को समझिए। ये जीनोटाइप देखिए क्या है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, हेटरोजाइगस है कि नहीं है, है। सारे के सारे प्लांट कैसे हैं, टॉल हैं, ठीक है। अब इनका हमने क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन जब कराते हैं, मतलब एफ वन जनरेशन के संतानों का जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग कराने पर जो हमको ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं उनके फिनोटाइप में 3:1 का अनुपात होता है। मतलब जब हम एफ वन जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स का क्रॉस कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, है ना, ऑन कंडक्टिंग द सेल्फिंग अमंग द एफ वन ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन जब इसमें कराएंगे तो इन नेक्स्ट जनरेशन एफ टू जनरेशन में जो हमको प्लांट्स मिलते हैं उनमें 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो होता है। 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो होता है का मतलब क्या है, कि 3 प्लांट एक जैसे हैं और एक प्लांट थोड़ा अलग है। मतलब 3 प्लांट कैसे मिलेंगे हमको, टॉल मिलेंगे, 3 कैसे मिल रहे हैं, टॉल मिल रहे हैं, और एक प्लांट कैसा मिल रहा है, डॉर्फ मिल रहा है। तो यही यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले सारे के सारे टॉल थे, आपको समझिए, पहले सारे के सारे क्या थे, टॉल थे, लेकिन जब टॉल प्लांट का आपस में ही क्रॉस करा दिया तो ये डॉर्फ कहां से आ गया, सारे के सारे टॉल का ही तो हम क्रॉस करा रहे हैं ना, सेल्फिंग करा रहे हैं, तो ये डॉर्फ कहां से आ गया,
यही उन्होंने बताया कि हमने तो क्रॉस कराया था टॉल प्लांट का, लंबे पौधों का, है ना। अगर सपोज करिए कि आपको कुछ बीज दे दिया जाए, कुछ सीड्स दे दिए जाए और आपको बता दिया जाए कि इनको लगा दो, इससे सारे सारे लंबे पौधे मिलेंगे, सबकी हाइट 6 फीट के ऊपर जाएगी, ठीक है। तो आप सोचोगे यार वाह प्लांट तो बड़ा अच्छा मिलेगा, ठीक है, आपने लगा दिया। अब 5 प्लांट उसमें से क्या हुए, सपोज 4 प्लांट आपको दे दिया है तो उनमें से 3 प्लांट आपके अच्छे लंबे लंबे हो गए, 1 प्लांट पता चला 1.5 फीट का रह गया। तो आप सोचोगे यार इसने तो बोला था सारे के सारे लंबे मिलेंगे, 1 प्लांट ये छोटा कैसे हो गया। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो 1 प्लांट था उसने आपको क्या दिया था, उसने आपको F1 जनरेशन के प्लांट दे दिए थे। तो F1 जनरेशन के प्लांट में जब आपने सेल्फिंग कराई, ठीक है, F1 जनरेशन के प्लांट में जब आपने सेल्फिंग करा दी तो आपको एक पौधा छोटा मिल गया, है ना। इसका मतलब क्या है कि लंबे पौधों का भी जब क्रॉस कराया जाता है और अगर आपको छोटा पौधा मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि डार्फनेस का कैरेक्टर जो था, मतलब बोनेपन का जो कैरेक्टर था, वो टाइलर्स के कैरेक्टर में कहीं छुपा हुआ था, उसके कारण वो दिख नहीं पा रहा था, और जब उसको आजादी मिली तो वो दिखने लगा। बात समझ रहे हैं, इसी को कहते हैं पृथककरण का नियम, पृथक होना, किससे पृथक होना, टाइलर का डार्फ से पृथक होना। मतलब लंबाई का जो गुण है वो छोटेपन के गुण से क्या होता है, मतलब लंबाई का जो गुण होता है वो छोटेपन के गुण से क्या होता है, पृथक हो जाता है। बात समझ रहे हैं, यही मेंडल ने बताया था कि जब हम F1 जनरेशन के सारे टॉल प्लांट्स का आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करा देते हैं तब हमको 3:1 के अनुपात में प्लांट मिलते हैं। मतलब 4 प्लांट अगर मिलते हैं तो उसमें से 3 प्लांट आपको कैसे मिलेंगे, लंबे मिलेंगे, लेकिन 1 प्लांट उसमें भी आपको छोटा मिल जाएगा। मतलब 25% जो प्लांट होंगे वो कैसे होंगे, छोटे होंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर 4 में से 1 अगर खराब हो गया आपका तो आपका तो लॉस हो जाएगा ना अच्छा खासा, क्योंकि 25% की बात हो रही है, 25% एक बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो 25% आपके जो प्लांट्स हैं वो खराब निकल गए, क्लियर, मतलब 100 में से 25 प्लांट खराब चले गए, आपको सिर्फ 75 का ही बेनिफिट मिल रहा है ना। तो इस चीज को ऐसे भी समझिएगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब जो डार्फनेस का कैरेक्टर होता है वो कहीं ना कहीं टाइलर्स के कैरेक्टर से दबा हुआ था, और जब हमने इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, मतलब स्व परागण जब इनका आपस में ही करा दिया, टॉल प्लांट का टॉल प्लांट से क्रॉस करा दिया, तो हमको कुछ छोटे प्लांट भी मिल गए। जबकि टॉल का अगर टॉल से क्रॉस कराए, किसी से पूछ लो टॉल का अगर टॉल से क्रॉस कराओगे तो कैसे प्लांट मिलेंगे, तो हम बता देंगे यार लंबे ही मिलेंगे क्योंकि छोटा तो है ही नहीं उसमें कोई, लेकिन छोटेपन का जो कैरेक्टर था, जो डार्फनेस का कैरेक्टर था, उसी के अंदर कहीं दबा हुआ था। और इसी को जब F2 जनरेशन में देखा गया तो जो डार्फनेस का कैरेक्टर था वो टॉलनेस के कैरेक्टर से क्या हो गया, सेपरेट हो गया, सेग्रीगेट हो गया। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब पृथककरण का नियम, क्लियर। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स। मतलब गैमिट्स जो होते हैं वो प्योर होते हैं, उनकी मिक्सिंग नहीं होती है। मतलब टॉलनेस का जो कैरेक्टर था उसके जो गैमिट थे वो डार्फनेस के कैरेक्टर के जो गैमिट थे उससे एकदम अलग थे, वो आपस में मिक्स नहीं हुए कि उन्होंने मिल करके एक एवरेज हाइट का प्लांट बना लिया। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स। और इस पॉइंट को भी कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा कि मेंडल के जो 3 लॉ थे, मेंडल ने जो 3 लॉ दिए थे कौन कौन से, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीनों में यही एक ऐसा लॉ है, पृथक्करण का नियम मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही ऐसा लॉ है जहां पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, है ना। इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है, मतलब हर जगह ये लॉ जरूर फॉलो होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स जो होते हैं, गैमिट्स हमेशा कैसे होते हैं, प्योर होते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ के तरह समझ के चलिएगा, क्लियर। तो इस चीज को समझ लीजिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स क्या होता है, इसी को हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं।
क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बात करेंगे थर्ड लॉ की, मेंडल के तीसरे नियम की, और इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या इसी को हम लोग कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, ये है मेंडल का द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि इसको हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मतलब यहां पर मेंडल ने दो लक्षणों को एक साथ लिया है ना। अभी तक हम सिर्फ हाइट की बात कर रहे थे, या तो लंबा होगा पौधा या तो छोटा होगा, और डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब द्विसंकरी क्रॉस जो होते हैं उसमें हम दो लक्षणों को एक साथ लेते हैं और उन दोनों को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं और ये देखते हैं कि उन दोनों लक्षणों की कैसे वंशागत की होती है, क्या वो एक दूसरे से प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके आधार पर अगर देखा जाए तो उन दोनों में कोई आपस में इस तरह से प्रभावी एक दूसरे को वो नहीं करते हैं। जैसे हम लोग अगर एक कैरेक्टर की बात करें, हाइट की अगर बात करते हैं, तो हाइट में जो लंबे पौधे हैं वो छोटे हाइट के पौधों को क्या करते हैं, F1 जनरेशन में दबा देते हैं, है ना। तो क्या ऐसा दो अलग अलग लक्षणों के बीच में होता है? तो मेंडल ने दो लक्षणों को इस तरह से ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया और देखा कि जब दो लक्षणों की वंशागत की एक साथ होती है तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, उन दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और इसे ही हम लोग कहते हैं स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अव्यूहन का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से गतिकी वंशागतिकी करना। ठीक है, तो इस तरह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ऑल अबाउट द ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन एंड दे विल नॉट अफेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर दे विल ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, मतलब वे दोनों एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आइए देखते हैं मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को। मेंडल ने जो दो लक्षण लिए थे, दो कैरेक्टर लिए थे, उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने तो इसमें सबसे पहले मेंडल ने लिया था क्या, सीड कलर, मतलब बीज का रंग, है ना। बीज का रंग दो तरह का था, एक था पीला और दूसरा था हरा। ठीक है, अब इसमें जेनेटिक्स में या हम लोग जो ये आनुवंशिकी की बात जब करते हैं तो इसमें ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं, है ना। मतलब अगर येलो अगर डोमिनेंट होगा तो इसके लिए हम कैपिटल वाई का यूज करते हैं। ठीक है, और हरा जो होता है वो कैसा होता है, अप्रभावी होता है, मतलब जब येलो और ग्रीन कैरेक्टर होंगे तो येलो वाला दिखाई देगा और ग्रीन वाला ढक जाएगा, है ना। दो कैरेक्टर्स आपस में तो रिलेशन रखेंगे ही ना, तो ये हरा वाला जब ढक जाएगा, है ना, इसको स्मॉल लेटर से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, स्मॉल वाई से, है ना। यहाँ पर जी मत लिखिएगा, है ना, अगर जी लिख दोगे तो फिर खत्म हो जाएगा खेल वहीं पे। तो आपको हरे के लिए जो अप्रभावी लक्षण होते हैं उनके लिए प्रभावी लक्षणों का स्मॉल लेटर यूज करते हैं, प्रभावी लक्षण में कैपिटल लेटर और अप्रभावी लक्षण में स्मॉल लेटर यूज करते हैं। ठीक है, और उन्होंने
उन्होंने फिर सीड शेप लिया था, सीड शेप मतलब बीज का आकार, है ना। तो बीज का आकार भी दो तरह का होता है, एक था राउंडेड मतलब गोल, ठीक है, राउंडेड मतलब गोल, और जो गोल थे उनके लिए उन्होंने कैपिटल आर लिया था राउंडेड, और एक दूसरा था कैसे रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, झुर्रीदार, ठीक है। तो रिंकल्ड के लिए उन्होंने लिया था स्मॉल आर, क्लियर। तो इस तरह से जब कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा तो कौन सा लक्षण दिखाई देगा, कैपिटल आर दिखाई देगा, क्लियर। तो इस तरह से उन्होंने दो कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, उन्होंने दो कैरेक्टर्स को एक साथ लिया। पहले हम लोग सिर्फ हाइट की बात करते थे, अब हम लोग सीड के कलर की और सीड के शेप की बात करेंगे। कलर अलग चीज होती है, या तो पीला होगा या तो हरा होगा दाने का कलर, है ना, और सीड का जो शेप होता है वो अलग होगा, या तो गोल होगा और या तो झुर्रीदार सिकुड़ा हुआ होगा, है ना। तो इस तरह से दो टाइप के उसके क्या थे, सीड थे, कलर में भी दो टाइप था और उनका शेप भी दो तरह का था, क्लियर। तो ये सीड कलर का मतलब बीज के कलर का ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है, है ना, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये रिसेसिव। सीड के शेप का मतलब बीज के आकार का ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है। अब हमको सब पता है, अब हमको बस क्रॉस करा देना है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है, और फिर यहां पर हम एक स्क्वायर बनाते हैं, पुनेट स्क्वायर, और फिर हम इस चीज को आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है, क्रॉस कराते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एक होमोजाइगस प्लांट है जिसमें कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये उसका कैरेक्टर है, ठीक है। और दूसरा प्लांट है जिसमें स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ठीक है। ये दो अलग अलग जीनोटाइप के प्लांट हैं, इनके बीच में क्रॉस कराया था मेंडल ने, ठीक है। तो मेंडल ने जो क्रॉस कराया था, ये वाला प्लांट कैसा होगा, ये होगा कैसा, एक तरफ तो ये होगा येलो, कैपिटल वाई किसको दिखाता है, येलो को दिखा रहा है, उधर देख लीजिए किनारे पे, है ना, कैपिटल वाई किसको दिखा रहा है, येलो को, और कैपिटल आर किसको एक्सप्रेस कर रहा है, राउंडेड को। तो इस वाले प्लांट में जो बीज होंगे वो कैसे होंगे, येलो होंगे एंड साथ में कैसे होंगे, राउंडेड होंगे, मतलब पीले और गोल, ठीक है। और दूसरे वाले में जो, और दूसरे वाले में जो सीड्स हैं वो कैसे होंगे, एक तरफ तो ग्रीन होंगे और दूसरी तरफ कैसे होंगे, रिंकल्ड होंगे मतलब झुर्रीदार होंगे, मतलब यहां पर ग्रीन एंड रिंकल्ड, ठीक है, मतलब ये कैसे हैं, हरे एवं झुर्रीदार, ठीक है। इन दोनों प्लांट का उन्होंने क्रॉस कराया था, इन दोनों में क्रॉस कराते हैं। तो सबसे पहले तो इनके गैमेट्स हम बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर हम इनका फ्यूजन कराते हैं, ठीक है। ये सपोज करिए ये मेल है और ये वाला क्या है, फीमेल है, है ना, इधर वाला फीमेल है और इधर वाला मेल है। अब हम यहां पर इनके फ्यूजन कराते हैं, ठीक है। तो फ्यूजन जब कराते हैं तो करा लेते हैं, और क्या, कैपिटल तो दोस्तों ये सारे गैमेट बन गए, ठीक है, कुछ करना नहीं था, यहां से ले आया, यहां से ले आया और बीच में करा दिया फ्यूजन, ठीक है। ऐसे यहां से ले आया बीच में करा दिया फ्यूजन, है ना, मतलब दोनों आपस में मिक्स हो गए और बन गया क्या, जाइगोट। तो ये जाइगोट है, ठीक है। अब जाइगोट्स में इस तरह के जीन प्रेजेंट हैं, तो अब इन जीन को देख के हम आसानी से बता सकते हैं कि किसमें, किस प्लांट में येलो और राउंडेड होंगे और किस प्लांट में कैसे होंगे, ग्रीन और रिंकल्ड होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये वाले कैसे होंगे, जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, है ना,
जो येलो और राउंडेड होंगे उनको हम लोग किससे रेड कलर से टिक करते हैं, ठीक है। तो ये वाले होंगे येलो एंड राउंडेड, ये भी येलो एंड राउंडेड, ये भी येलो एंड राउंडेड, ये भी येलो एंड राउंडेड क्यों होंगे? क्योंकि सब में कम से कम एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई जरूर है, ठीक है। ये वाले ग्रीन, ये वाले येलो एंड राउंडेड, ये वाले कैसे होंगे बताइए? ये येलो तो होंगे लेकिन राउंडेड नहीं होंगे, ये रिंकल्ड होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ऐसे ना करके राउंडेड की जगह रिंकल्ड हो गए हैं ये, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं ऐसे, ठीक है। फिर ये येलो एंड राउंडेड, फिर ये येलो एंड राउंडेड, फिर ये येलो एंड राउंडेड, फिर येलो राउंडेड, फिर येलो एंड राउंडेड और कहीं है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्या, येलो एंड रिंकल्ड, ठीक है। तो एक येलो एंड रिंकल्ड ये हो जाएगा, एक येलो एंड रिंकल्ड ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग करते हैं क्या, ग्रीन एंड राउंडेड, जो सीड्स ग्रीन हैं और राउंडेड हैं, तो ग्रीन एंड राउंडेड ये है, ग्रीन एंड राउंडेड ये है, और ग्रीन एंड राउंडेड ये है, ठीक है। और बचा सिर्फ ये वाला, तो ये वाला कैसा होगा, ग्रीन एंड रिंकल्ड, है ना। ये वाला कैसा होगा, ग्रीन एंड रिंकल्ड, सिर्फ इकलौता, क्लियर। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जिसमें हमने रेड लाइन खींची है, वो कितने हैं, कितने हैं, 9 है। तो हम लोगों ने यहां पर लिख लिया क्या, 9। फिर जहां पे हमने राउंड किया है ब्लैक कलर का, 1 2 एंड 3 इज 2 3, फिर जहां ग्रीन राउंड किया है वहां पर 1 2 एंड 3 3, और एक बच रहा है ये वाला, इसको लिख लिया 1, ठीक है। 9 इज टू 3 इज टू 3 इज टू 1, ठीक है। ये कौन सी जनरेशन के प्लांट्स होंगे, ये F2 जनरेशन के, क्योंकि F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप आया, जीनोटाइप आया था, वो तो हमको ये मिला था ना, F1 जनरेशन का, याद है ना। इसी से फिर हम लोगों ने क्या कराया, सेल्फिंग कराया, तो सेल्फिंग के बाद हमको ये F2 जनरेशन मिली, और F2 जनरेशन में हमको टोटल कितने प्लांट्स मिले, ये चीज ध्यान रखिएगा, 16 प्लांट्स, है ना, 16 प्लांट्स मिले। और 16 प्लांट्स में देखिए 9 और 3 12 12 और 3 15 15 और 1 16, टोटल कितने प्लांट मिले, 16 प्लांट। तो 16 प्लांट में जो 9 प्लांट हैं वो कैसे थे, 9 प्लांट्स कैसे थे, येलो एंड राउंडेड, कितने थे, 9। फिर येलो एंड रिंकल्ड, येलो एंड रिंकल्ड कितने हैं, 3। फिर ग्रीन एंड राउंडेड, ग्रीन एंड राउंडेड कितने हैं, 3। एंड लास्ट में ग्रीन एंड रिंकल्ड, ग्रीन एंड रिंकल्ड, ये कितने हैं, 1, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे 16 प्लांट का हिसाब हमको मिल गया कि एक ही इनका जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 9:3:1 का मिला है, 9:3:3:1 का अनुपात मिला है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, है ना। मतलब F2 जनरेशन के, F2 पीढ़ी के का जो फिनोटिपिक अनुपात होता है वो क्या होता है, 9:3:3:1 का अनुपात होता है पौधों में। इतने वैरायटी के, मतलब टोटल कितने वैरायटी के प्लांट मिलते हैं, 4 वैरायटी के, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्लांट होते हैं, 9 प्लांट होते हैं, येलो और राउंडेड होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो मिल रहा था, लेकिन यहां पर 9:3:3:1 का रेशियो मिल रहा है। और देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है
कि जहां F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे थे, येलो एंड राउंडेड थे, और इन्हीं में हम लोगों ने क्या कराया था, सेल्फिंग कराई थी, ठीक है। और सेल्फिंग कराया तो हमको प्लांट में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मिला, इस तरह का बिखराव मिला, है ना, इस तरह की व्यापकता मिली। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि येलो एंड राउंडेड लक्षण जो हैं वो ग्रीन और रिंकल्ड लक्षण से क्या होते थे, अलग हो जाते थे, स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से क्या करते थे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते थे, इसीलिए इतनी विविधता मिली। अगर सोचो कि येलो कलर ग्रीन कलर से, अगर येलो कलर अगर राउंडेड से मिक्स हो जाता तो येलो और राउंडेड एक दूसरे को कभी छोड़ते ही ना, साथ में ही जाते, जहां भी सीड मिलता तो येलो के साथ राउंडेड जरूर मिलता, है ना। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से क्या थे, फ्री थे, स्वतंत्र रूप से क्या करते थे, मूव करते थे, इसीलिए कहीं पर हमको येलो मिल गया तो राउंडेड नहीं था, और कहीं पर हमको रेड मिल गया तो येलो नहीं था, है ना। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, ये जो मूवमेंट मिलता है, फ्री मूवमेंट, इसी को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब स्वतंत्र अपव्यूहन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब लक्षणों की वंशागत की होती है तो वो दो अलग अलग लक्षण वाले जीन एक दूसरे को प्रभावित किए बिना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बात समझ में आई? तो इस स्क्वायर को बना करके देखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है गैमेट बनाकर देखिएगा। जब गैमेट बन जाएगा तो आप फ्यूजन तो बड़ी आसानी से कर लोगे, है ना। गैमेट बनाना बहुत थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, है ना, इसलिए गैमेट के लिए बहुत आपको प्रैक्टिस करनी है। ले ले आप चीजों को नोट करिएगा और गैमेट बना करके देखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।